हाय, दिस इज मनीषा सिंह। फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल करके आ रही है एसएससी की तरफ से, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल प्लस फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रहेगा, और साथ ही साथ फ्रेंड्स एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, प्लस आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सारा कुछ डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप। तो चलो हम लोग बिना टाइम को बर्बाद करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको फ्रेंड्स कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आई है 1207 सीट्स पे ये आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेड सी और डी का क्या क्या पोस्ट है। ग्रेड डी के लिए 1114 सीट्स है, स्टेनो ग्रेड सी के लिए 93 सीट्स है, ओवरऑल 1207 सीट्स रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 2nd of August 2023 से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 23rd of August 2023 रहने वाला है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट को भी रिमाइंडर कर लेना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर में आ चुका है कि 12 and 13 अक्टूबर को आपका ये पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। चलिए बता देती हूँ फॉर्म की फ़ी क्या रहने वाली है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज़ लिया जाएगा, वहीं पे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st of August 2023। स्टेनो ग्रेड सी के लिए आपका मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ग्रेड डी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स। रिलैक्सेशन दिया जाता है एस सी एस टी को 5 ईयर्स का एंड ओबीसी को 3 ईयर्स का, और बाकी जो भी कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में आप देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहने वाले। बस अगर आप 10+2 पास आउट हो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। चाहे आपका स्ट्रीम कोई सा भी हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, बस आप 10+2 पास आउट हो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। सिलेक्शन की प्रोसेस भी बहुत ही यहाँ पे सिंपल है। आपका फर्स्ट आपका CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। देन आपका स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपका जो स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होता है ना, टाइपिंग टेस्ट, उसका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड्स 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है 200 मार्क्स के लिए, एंड 2 आवर्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है। निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, और सबसे अच्छी खुशखबरी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बाकी का सब्जेक्ट स्ट्रांग है और बस मैथमेटिक्स की वजह से वो पिछड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये पेपर बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल इसमें अगर आप देखोगे तो वेटेज जो है ना वो इंग्लिश का ज़्यादा रहेगा। अगर आपके पास स्किल है, आप टाइपिंग वगैरह आप कर सकते हो, तो अगर इंग्लिश आपका स्ट्रांग है तो इस पोस्ट के लिए आप एकदम आँख बंद करके फॉर्म भरो और तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से ही। चलिए अब बता देती हूँ कि स्किल टेस्ट आपका क्या होगा, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ग्रेड डी के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। हिंदी के लिए आपका 65 मिनट का टाइम मिलेगा, इंग्लिश के लिए 50 मिनट का। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। हिंदी के लिए 55 मिनट का होगा, इंग्लिश के लिए 40 मिनट दिया जाएगा आपको।
तो जैसा फ्रेंड्स आपको बता दिया है, आपका जो सिलेक्शन है ना वो डिपेंडेबल रहेगा, आपका सीबीटी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ बनेगा, स्किल टेस्ट का भी कुछ मार्क्स वगैरह ऐड होता है, वो क्वालिफाई होता है, आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो उस टाइम आपका सिलेक्शन वहीं पे रुक जाएगा, अदरवाइज अच्छे मार्क्स है तो आपके फाइनल जो होता है ना कट ऑफ उसमें लिस्ट में आपका नाम आएगा, फिर आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जॉब की लोकेशन क्या रहने वाली है, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में जॉब का लोकेशन रहने वाला है। रही बात एग्जाम सेंटर्स की, तो एसएससी आपको जो है आपकी चॉइस की 3 सेंटर आपको उस टाइम जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप नियर बाय के 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो, वहीं पे आपका एग्जाम पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि होता है इनिशियल इनहैंड सैलरी। इसमें आपको स्टेनो ग्रेड सी का जो ग्रेड पे है 9300 to 34800, बट आपको जो इनिशियल इन हैंड सैलरी पर मंथ मिलेगा 50,682 रुपीज़। स्टेनो ग्रेड डी का ग्रेड पे है 5200 to 20,200, तो इसका फ्रेंड्स आपको जो इनिशियल इन हैंड सैलरी है 37,515 रुपीज़ पर मंथ। इसमें आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस भी देखने को मिलते हैं, पर ईयर अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है, इसके बाद आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो अपनी तैयारी की स्पीड को बढ़ाओ, आप फॉर्म अप्लाई करो, अक्टूबर में पेपर भी हो जाएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गया था, दोनों ही ग्रेड सी एंड डी का अलग अलग कट ऑफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी ग्रेड सी के लिए जनरल का 137 to 140 गया था, ओबीसी के लिए 135 to 138, एससी वालों का 120 to 125, एसटी के लिए 105 to 109। ग्रेड डी का जनरल वालों के लिए 135 to 139, ओबीसी के लिए 132 to 135, एससी के लिए 115 to 127, एसटी के लिए 99 to 103। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, मैं वहां पे आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज इस जॉब का जो नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दे रही हूँ मैं, तो जाके आप चाहो तो टेलीग्राम से भी देख सकते हो, और अगर आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज और टेलीग्राम का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये अपकमिंग वीडियोस को आप शेयर करते रहना, जो आती है न्यू वैकेंसी उनको भी तो पता होना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।